बिजली की 16-16 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत से दोचार कर दिया। शदीद गर्मी में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां तवील लोड शेडिंग ना की जा रही हो। कराची के इलाके पुराना गोलीमार के रिहायशी भी के इलेक्ट्रिक के गैर ऐलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। ट्रांसलियारी पार्क के सामने मेन रोड ब्लॉक कर दिया, जिसमे सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, ओल्ड गोलीमार यूसी सिख और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान के कामरेड अब्दुल रहमान बलोच, नासिर मंसूर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने आवाम से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड ने लॉकडाउन से लेकर हमें जिस अजियत में मुब्तला रखा है, इन अजियत को लेकर इस मकाम पर पहुँचे हैं कि हम एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ जो लॉकडाउन से लेकर अब तक जिस तरह हमें अजियत में मुब्तला कर रखा है, हम उन अजियतों से गुजर कर आज इस मकाम पर पहुँचे हैं कि हम एहतजाज करने पर मजबूर हैं, क्योंकि कई गोलीमार समेत बशमूल कराची में मुख्तलिफ एरियों में लोड शेडिंग करके आवाम को ये बताना चाह रही है कि हम सरमायेदारों के इशारों पर चलने वाले इदारे हैं, ना कि अवामी इश्यूज को मद्देनजर रखते हैं। इंतजामिया को इंतजामिया के एमडी को बरतरफ करने का मुतालबा करता हूँ और यहाँ के मकामी नुमाइंदे जो ख्वाब खरगोश में बैठे सो रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप खुदारा अब नींद से उठ जाओ, अब नींद से बेदार हो जाओ, वरना ये आवाम आइंदा आने वाली इलेक्शन में आपको गलियों से गुजरने तक नहीं देगी। इस मौके पर खिताब में रहनुमाओं का मजीद कहना था कि यहाँ पर इलेक्शन जीतने के बाद दुकानदारियाँ होती हैं, जिसके शिकार हम लोग हैं। हमें ये सोचना होगा कि आइंदा हमें सोच समझकर अपने ऊपर लोगों को मुसल्लत करें। हालांकि ये काम सोशल इदारों का नहीं, अवामी नुमाइंदों का है। यहाँ पर जीतने के बाद दुकानदारियाँ होती हैं, जिस दुकानदारी का शिकार हम सारे लोग हैं। हमें ये सोचना होगा कि आइंदा हम सोच समझकर अपने ऊपर लोगों को मुसल्लत करें। हालांकि देखा जाए तो ये काम शहीद भुट्टो का नहीं, ये काम सोशल वेलफेयर वालों का नहीं, ये काम अवामी नुमाइंदों का है, जिनका ये जिम्मेदारी है कि इलाके में पानी और बिजली ये हमारी बुनियादी सहूलतें हैं जो हमें मुयसर होनी चाहिए। देखो, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन इस वक्त हमारे एरियाज के अंदर जो एजेड बंदे, जो बुजुर्ग बंदे एक्सपायर हो रहे हैं, उसकी वजह के इलेक्ट्रिक है और ये बढ़ती हुई गर्मी है। अब मैं हम गर्मी की वजह से हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, ये एक कत्ल के जिम्मे में आता है। मैं के इलेक्ट्रिक को एक कातिल करार देता हूँ, जो हमारे बेगुनाह बुजुर्गों को गर्मी के अंदर मार रही है। लॉकडाउन में कोई करंटीना में हो, बीमार हो या फिर बुजुर्ग और बच्चे, के इलेक्ट्रिक की हट गर्मी बरकरार है। कैमरामैन फरीद बलोच के साथ सद्दाम हुसैन, 99 न्यूज़ कराची।